तो आपका सबको मेहनत है, आपका सबको पसीना है, सब कुछ है इसमें, है ना। तो आपको भी एकदम प्राउड फील होना चाहिए कि तुम लोग मुंबई का ये सब चीज़ें कर रहे हो, है ना। तो गाइस मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ये था अपना टीम, एक हाय बोल दो सब लोग। तो मिलते हैं भाई लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुंबई में बहुत लोग बोलते हैं कि मुंबई का व्लॉगर्स इतना कंस्ट्रक्शन क्या दिखाते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मुंबई में 90% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो जब तक हम लोग ये दिखाएंगे नहीं, तो लोगों के लिए एक एक इम्पॉर्टेंट गाइड करने वाले कौन है, हम ही जैसे व्लॉगर्स है जो ऐसे जगहों पर जाके व्लॉग करते हैं, चीज़ों को दिखाते, अपडेशन देते। और अभी मैं हूँ शिवडी मुंबई, और मैं आया हूँ यहाँ पे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का जो नॉर्थ एंड है, दैट इज मुंबई साइड का एंड है, जिसको रिसेंटली थोड़ा इनोग्रेशन हुआ था, उसका ट्रायल रन भी हुआ था। तो मैं आया हूँ यहाँ पे वो देखने के लिए कि कितना काम हुआ है, तो प्रैक्टिकली कितना अपडेट है अभी। तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे है शिवडी स्टेशन, और दिस इज शिवडी और फोर्ट रोड है। तो आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल MTHL का जो पैकेज है। तो दिस इज लाइक यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज कॉल्ड रिंग रोड। तो जो भी रैम्प से यहाँ से जो निकलता है मुंबई से, वो यहाँ से होते हुए टुवर्ड्स नवी मुंबई जाता है। तो इट्स लाइक ये जो एंड है, यहाँ पे भी काम धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है रैम्प्स का। अभी का जो स्टेटस है, ऐसा प्रोग्रेस बताया जा रहा है कि जो समुंदर का जो सेक्शन है, जो सी लिंक है, एग्जैक्ट सी लिंक है, वो कंप्लीट हो चुका है। बट इसका जो दोनों साइड नवी मुंबई और मुंबई साइड, दोनों साइड में जो मेन रैम्प्स है जहाँ से व्हीकल्स एंट्री करते हैं, वो अभी बनना बाकी है। मतलब ऑलमोस्ट उसका भी 90% हो गया है, अब देख सकते हो यहाँ पे। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, तभी अपने को MTHL का जो व्हीकल मूवमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे पूछ लेते कब होगा क्या होगा। ये हमारा टीम है, LNT के तरफ से आप जॉब करते हैं ना। तो कितना साल हो गया ये काम स्टार्ट हो गया? पाँच साल हो गया। अच्छा, तो अभी कितना परसेंटेज हो गया काम? पाँच छः, और पाँच महीने में कंप्लीट हो सकता है। मगर अभी CM सब आके इसको कुछ इनॉग्रेशन किया था, जो TV में आया था, सब कुछ न्यूज में आया था, मतलब वो समुंदर का कंप्लीट हो चुका है, बाकी है उधर भी, बाकी है वो मैंने देखा था, बेलापुर साइड का मैं चेक किया था, वहाँ पे अभी बाकी है। जैसे ये जो काम चल रहा है ना, वैसे उधर भी बाकी है, तो इधर भी यही बाकी है ना, इधर भी सब अलग कंपनी है। अच्छा, ये सब काम LNT कर रहा है, और मेन समुंदर का जो काम है आधा। अच्छा, आधा LNT आधा टाटा, ओके। 6 महीने काम करेगा, 5-6 महीने में फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे ऑफिस है क्या आपका, इंजीनियरिंग टीम का, LNT का आगे है क्या वो वाला? ठीक है भाई, मैं वहाँ पे जाता हूँ फोर्ट साइड में, वहाँ कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग इतना बढ़िया काम करते हो, इसलिए हम लोग को
ये यूज़ करने को मिलता है इतने जल्दी से ट्रैवलिंग करना। ये जो नवी मुंबई ऐसा घूम के आएंगे ना, दो घंटा लग जाए नॉर्मल डेज में। अगर ये चालू हो जाएगा तो 50 मिनट में पहुँच सकते। तो आपका सबको मेहनत है, आपका सबको पसीना है, सब कुछ है इसमें, है ना। तो आपको भी एकदम प्राउड फील होना चाहिए कि तुम लोग मुंबई का ये सब चीज़ें कर रहे हो, है ना। तो गाइस मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ये था अपना टीम, एक हाय बोल दो सब लोग। तो मिलते हैं भाई लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे आगे सब अपडेट आपको दिखता हूँ। अभी मैं फोर्ट साइड जाता हूँ और वहाँ से आपको एग्जैक्ट इसका जो लुक्स है वो मैं देखता हूँ वहाँ से। चलो गाइस फिलहाल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो अपना मुंबई का जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सी लिंक है और मुंबई का सेकंड सी लिंक है जो मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। तो ये जो मेरा पीछे है ये नवी मुंबई का एग्जिट पॉइंट है। तो मेरा पीछे से तीन आप देख सकते हो जंक्शन टाइप, एक वो साइड में जा रहा है वो पनवेल के लिए और ये साइड में आ रहा है दिस इज़ एग्जिट टू सी लिंक एंड ये मेरा ऊपर जो जा रहा है दिस इज़ फॉर उरन साइड। और मेरा यहाँ पे जो रोड जा रहा है ना दिस इज़ JNPT पनवेल रोड। तो इट्स लाइक आप जो पनवेल का रोड वैसा पकड़ोगे तो सीधा आप एग्ज़िट कर सकते हो पुणे साइड भी। और अगर आप ये रूट पकड़ोगे तो आप पुरन साइड जा सकते हो। तो अभी जो है फिलहाल 2023 दिसंबर पे उसका डेडलाइन है, भले ही उसका जो जितना भी रिसेंटली अपना जो महाराष्ट्र का CM आके उसका ट्रायल रन भी किया गया था, मगर ये जो एंड पॉइंट्स है ना शिवडी साइड और नवी मुंबई साइड का जो एंड कनेक्टिंग पॉइंट्स रैम्प्स बोलते हैं इसको, जब तक ये कम्प्लीट नहीं होता है तो आगे का जो काम है मतलब इनोग्रेशन का जो पार्ट है वो नहीं हो सकता। बट जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वो जो मेन सेक्शन है जहाँ पे जंक्शन हो रहा है तीनों ब्रिजेस आके वो अभी मेन जुड़ना बाकी है। तो जैसे वो जुड़ जाएगा देन इट्स लाइक यहाँ पे थोड़ा टॉप पोर्शन में जो काम है वो बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट डन। रोड्स आर रेडी, पिलर्स रेडी है, ये ब्रिज सेक्शन भी कंप्लीट, सेक्शन भी रेडी है। बोला MTHL का जो काम है वो बहुत ही एंड पॉइंट पे आ चुका है, लगभग 80% ऑफ जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी बस दोनों नवी मुंबई और मुंबई साइड का जो रैंप है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। तो लगभग 6 to 7 months में अपने को इस पर ट्रैवल करने को मिल जाएगा। तो बाकी अपन नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चाले छोटे खराबी के झटके दीसर के झटके।